आज पंजाब सरकार द्वारा गठित नशा विरोधी और गैंगस्टर विरोधी मुहिम के तहत मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी खरड़ विक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई में थाना प्रभारी बलौंदी की मदद से सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में शूटरों को पनाह देने वाले राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर को दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन आरोपियों के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ संबंध की कड़ी सामने आई है। जी अज तीन मुजरम असि देवराज शर्मा इन्हे दो बेटे बंटी ने गौरव इन्हों बाड़वाजरा पिंड अरैसट किया। इन्हों को तकरीबन 137 ग्राम हेरोइन जिट्टा बरामद होया। इस अलावा काफ़ी भारी मात्रा के जो कि 3,57,000 रुपये इन्होंने को ड्रग मिली। इन जो गौरव से बंटी है इन्होंने ऑलरेडी एक मुकदमा नंबर 211 307 के 25 आर्म्स एक्ट के अंडर दर्ज हुए थे, जिंदे इन्हों का एसोसिएट रजिंदर सिंह एलियस जोकर है वो इन्हों का परचा दर्ज हुआ है। कि रजिंदर सिंह जोकर जो उन्होंने ना सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के जो अपने शूटर से उन्होंने रहन सहन का उन्होंने रहन सहन का प्रबंध करने होर आप को हटाने वास्ते उन्होंने एसोसिएट फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है पूछगिछ उम्मीद है बिल्कुल जी बारे इन्वेस्टिगेशन भी दिता जाऊगा। तो जो इन्होंने डॉक्टर के जो इन्होंने संबंध है उन्होंने बारे जो ज़्यादा डिटेल असी सिट के जो इन संबंधी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के देख रही है असं सिट के शेयर कर ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਵੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ 302 ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੁਕਦਮਾ 211 ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੇਜ਼ 1 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।